जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के वहीं काउंटर पर जोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया, ना ही वहां पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया और सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहां पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है। तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहां से चमत्कार लेकर के ही जाऊंगी। तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था, उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है और पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। देखिए, शिक्षक और सड़क ऐसी चीज है जो खुद तो अपने जगह पे रहती है और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देती है। सबसे हो जाती है लेकिन दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। जब भी किसी की आलोचना करिए तो उसमें एक छोटी सी प्रशंसा जोड़कर ही उस आलोचना को खत्म कीजिए कि शुरुआत तो डांटने से किए थे, बाद में उसका हौसला बढ़ा के हंसी मजाक में उसे निकाल दीजिए, बीच बीच में उसे फिर एहसास दिलाइए। लेकिन बार बार कमियों को नहीं गिनाना चाहिए। महाभारत देखिएगा, महाभारत में जो कृष्ण भगवान थे वो कौरवों के बीच गए संदेशा लेके, आखिरी संदेशा, वहां पे भी उनकी भाषा देखिएगा। आप महाभारत अगर सीरीज देखिए तो भाषा देखिएगा, दुश्मन से भी इस तरह से बात कर रहे थे जैसे लगता था गुरु जी से बात कर रहे हैं। ये भाषा की मर्यादा। लेकिन आज ये वही श्याम की धरती है, ये वही पुरुषोत्तम राम की धरती है जहां लोग तहजीब भूल गए कि बात करना कैसा चाहिए। ये वही पुरुषोत्तम राम थे जिनके अपने भाई लक्ष्मण जी को जब शिक्षा लेनी थी ना तो रावण के पैताने बैठे थे कि ये शिक्षा लेना है तो उसके पास झुकना पड़ेगा यहां पर। लेकिन आज हम लोग भूल गए हैं कि हमें बात कैसे, बात में तो इतना आजकल वो तहजीब ही नहीं रह गया है कि इतना रफ बोल दो कि दुश्मन किसी से पूछा, एक लड़का पूछा तुम्हारा क्या हाल है, तू कह रहा है खराब है ठीक कर दूंगी, जब हाल है भाई। आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला जब कंपनी जब स्थापना हुई थी तो एक साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे, कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है, कदम नहीं रुकते। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत से चीज़ें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है, हम लोग के भी लाइफ में बहुत बहुत तकलीफें आई थी। ज़िंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। ज़िंदगी ने उस मुकाम पर ला कर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं।